पिछले कुछ दिनों में 50 टीचर इंक्लूडिंग तरुण सर, एमडी सर एंड सर्वेश दीक्षित सर फिजिक्स वाला को छोड़ देते हैं। किसी से करोड़ों रुपए एडवांस उठा के रख लूं और बोलूं कि अब रिवॉल्यूशन हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। एक ही जैसा महसूस किया, एक जैसा महसूस नहीं किया। सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे, तुम हो जाओगे तुम खत्म। इसके कुछ दिन बाद यूट्यूब पर एक चैनल क्रिएट होता है संकल्प, जिस चैनल पर ये सारे वीडियोस अपलोड होते हैं और वो चैनल एक्सप्लोड हो जाता है। और फिर पीडब्ल्यू के ऐप में तरुण सर, मनीष दुबे सर और सर्वेश दीक्षित सर का नाम ब्लॉक हो जाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसी चीजें पहली बार हो रही है, एडटेक इंडस्ट्री में ऐसा हमेशा से होता आया है कि जो टॉप के टीचर्स होते हैं वो वहीं जाएंगे जहां उनको अच्छा ऑफर मिलेगा। लेकिन इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। फिजिक्स वाला को जहां से 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है उसमें ये दो बड़े नाम है, वेस्ट ब्रिज कैपिटल एंड जीएसवी वेंचर्स। अब इसमें से जो वेस्ट ब्रिज कैपिटल है इसके अड्डा 24/7 में भी 35 मिलियन डॉलर लगे हुए हैं। अब खबर यह है कि अड्डा 24/7 कंपनी में इनके पैसे डूब रहे थे। कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उसे अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, फिर चाहे वो टीचर्स की वजह से हो या फिर कंट्रोवर्सी मार्केटिंग से। ताकि किसी से उठा लिया पैसा और फिर बोल रहे हो कि ये और करोड़ों रुपए 3-5 करोड़ के आसपास का एडवांस आया आपका, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो आप इतना पैसा आ गया है कहाँ, ये सब रोटी दाल की बातें कर रहे हैं। तो इस वीडियो में पंकज सर जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर बोल रहे हैं तो शायद ये बात सच भी हो कि इन टीचर्स को अड्डा 24 से पैसे मिले हैं। एक बार को अगर हम ये बात सच मान भी लें कि इनको पैसे देकर खरीदा गया है तो भी अच्छे ऑफर के लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना कोई गलत बात नहीं है। डेफिनेटली चाहे टीचर कोई भी हो उसे जहां अच्छा ऑफर मिलेगा वो वहीं जाएगा। आखिर कुछ टाइम पहले अमन धतरवाल ने भी फिजिक्स वाला पर कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था, लेकिन उसमें और इस सीन में फर्क ये है कि अमन ने बोला था कि टीचर्स की कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले पोचिंग हुई है। अगर कोई टीचर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में इंस्टीट्यूट छोड़कर जाए या फिर कोर्स को अधूरा छोड़कर जाए तो ये शायद एथिकली रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट पर इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड करता है। लेकिन ये टीचर्स बता रहे हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से क्लासेस कंप्लीट करके ही रिजाइन दिया है। अब फिजिक्स वाला और अड्डा 24/7 दोनों में जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर कंपनी है वो यही वेस्ट ब्रिज कैपिटल है, तो कोई भी कंपनी कहीं से भी अपना नुकसान करवाना क्यों चाहेगी। तो अगर अड्डा 24/7 ने इन टीचर्स को पैसे देके खरीदा भी है तो भी ये बस कंट्रोवर्सी और मार्केटिंग के लिए ही हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अड्डा 24/7 फिजिक्स वाला को तोड़ना चाहता है तो इस बात का भी कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जैसा हमने बताया कि इन दोनों में जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है वो वेस्ट ब्रिज कैपिटल ही है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका ही होगा। तो अगर कोई भी कंपनी डाउन जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका ही होगा, इसलिए अड्डा 24/7 के पैसे देके खरीदने वाली बात तो कुछ जच नहीं रही, और अगर दिए भी हैं तो भी बस कंट्रोवर्सी और मार्केटिंग के लिए। दूसरा पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि ये टीचर्स अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, और उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सबको फ्रीडम है अपना काम करने की, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा गलत मुझे ये लगा कि किसी टीचर्स के छोड़ने को इतना बड़ा हुआ बनाना, चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो या फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से। बिलीव मी, इन कंट्रोवर्सी से तो इन इंस्टीट्यूट्स की फ्री में मार्केटिंग ही होती है। आज अगर 5 टीचर गए हैं तो कल और 10 आ भी जाएंगे। आखिर इनके लिए तो एवरी कंट्रोवर्सी इज गुड कंट्रोवर्सी, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का। कोचिंग में पढ़ाना या ना पढ़ाना, अपना स्टार्टअप शुरू करना, ये सब किसी का पर्सनल डिसीजन है। स्टूडेंट्स को तो बस क्वालिटी एजुकेशन से मतलब होता है और टीचर्स को अच्छे पैकेज से, क्योंकि एट द एंड पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा पढ़ने से।